Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon so you can get latest video notifications. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूं ज़रक्शाह ज़ेब और आप देख रहे हैं अपना चैनल ज़रक क्रिएशन। तो फ्रेंड, आज आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, थंबनेल पर आपने देखा वो कितना अट्रैक्टिव एंड एफसम ग्लास फ्रंट है, वो आज हम बनाएंगे। तो बाकी यार, आप लोगों से मुझे बहुत गिला शिकवा है, आप वीडियो बहुत ज़्यादा स्किप करते हैं, एंड तक वॉच नहीं करते, बाद में मुझ पर यह गिला शिकवा करते हैं कि भाई आपकी हमें समझ नहीं है, ये है वो है, आप बाद में नुकता चीनी करते हैं, ये काम ना के करें, वीडियो 4-5 बार देखकर करें, तब सेम ग्लास वर्ड बनता है और एंड तक देखकर करें। चलिए आज ट्यूटोरियल स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने करना क्या है, यहाँ पर आपने नेम टाइप करना है, कोई भी आप नेम रखना चाहें तो आप फ्रेंड लिख सकते हैं। यहाँ पर मैं ये वाला नेम टाइप कर लेता हूँ। ये वाला नेम टाइप करने के बाद आपने सिंपली करना क्या, ए बी वाले ऑप्शन में चले जाना है। मैं फॉन्ट में, अगर आप अपनी मर्जी के फॉन्ट ऐड करना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा उस वीडियो का, आप वो वॉच करके देख सकते हैं कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं, कैसे डाउनलोड आप कर सकते हैं, सारा तरीका मतलब मैंने बताया, आप वो वीडियो वॉच कर लीजिएगा, इंशाल्लाह आपको पता चल जाएगा अपनी मर्जी के पसंद की आप उस टाइप के फॉन्ट किस तरह से ऐड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं दो फॉन्ट यूज़ करूँगा। ठीक है, ये वाला नेम मैंने टाइप कर लिया। नेम टाइप करने के बाद आपने इसका साइज इंक्रीज कर लेना है, जितने फॉन्ट मैं यूज़ करूँगा। ऊपर मैं लगाऊंगा फ्रेंड शेप। ठीक है, शेप का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में फाइल बनाकर दे दूंगा, कुछ कलर वाली हैं, कुछ ऐसे ही मैंने मतलब आपको बनाकर दिखाऊंगा, तो मैं जल्दी जल्दी मैं वो शेप लगा लेता हूँ। तो फ्रेंड, ये वाली शेप वगैरह मैंने लगा ली है, इन फॉन्ट का भी और शेप का भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आपने वहां से डाउनलोड कर देना है और इसका बैकग्राउंड कर देना है ट्रांसपेरेंट। यार वीडियो एंड तक देखा करें, क्यों आप स्किप करते हैं और बाद में मुझ पर गिला शिकवा करते हैं, यार ये आप अपना नुकसान करते हैं, मेरा नहीं करते। ठीक है, ये बिल्कुल आप गलत करते हैं। अगर आप रिटर्न सीखना चाहते हैं, इतनी मेहनत से मैं यार बनाता हूँ वॉइस ओवर, फिर भी आप ना लाइक करते हैं ना कॉमेंट्स करते हैं, वीडियो भी स्किप यार कर देते हैं। तो फ्रेंड, यहाँ पर PSCC में मैं आ गया हूँ। अगर जिनका PS टच न्यू वर्जन या ओल्ड वर्जन काम नहीं कर रहा तो वो नीचे लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कि PSCC कैसे आपने इंस्टॉल करना है, कैसे डाउनलोड करना है, वो वीडियो वॉच कर लीजिएगा। फिर भी अगर आपसे डाउनलोड नहीं है तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में वहाँ आप मुझे कॉन्टैक्ट कीजिएगा, इंस्टाग्राम पर और पिंट्रस्ट को भी नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वो वहाँ पर भी मुझे प्लीज़ फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि जो भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँ उसका लिंक वगैरह सब कुछ मैं वहाँ पर भी शेयर करता हूँ। आपने इस सर्कल को पकड़कर ऊपर ले जाना है, पहली लेयर में आना है और इसका सिंपली ब्लेंड मोड यहाँ से स्क्रीन कर देना है। स्क्रीन करने के बाद आपने अगेन सेकंड लेयर में आना है, एफएक्स में जाना है। एफएक्स में जाने के बाद आपने ड्रॉप एंड शेडो में जाना है। ड्रॉप एंड शेडो में जाने के बाद इसका एंगल 150 पे कर देना है और इसका ब्लर 5 और जो डिस्टेंस है ये 7 कर देना है। ठीक है, ओके करने के बाद आपने इसका बिल्कुल वही जैसे सेम प्रोसेस कर देना और इसका ब्लेंड मोड मल्टीप्लाई कर देना है। आपने थर्ड लेयर में आना है, सिंपली एफएक्स में चले जाना है। एफएक्स में जाने के बाद आपने ये तीन वाले ऑप्शन में चले जाना है, वेवल में कलर आपने पहले ब्लैक करना है, बाद का काम हम करते हैं ब्लार का। ब्लार इंक्रीज कर लेना और डिस्टेंस भी इंक्रीज कर लेनी है। ठीक है, ब्लार थोड़ा सा और इंक्रीज करें, इस पर मैं एक दफ़ा फिर वेवल लगाऊंगा, यहाँ तक हो गया। इसके अलावा आपने करना है कि आपने सेकेंड लेयर को कर लेना है सिलेक्ट और यहाँ पर आ जाना है। ठीक है, यहाँ पर आने के बाद आपने करना क्या, टॉलरेंस 30 पे कंटिन्यूस की टिक ऑन कर देनी है और मोड प्लस पर कर देना है। ठीक है, अब आपने नेम को जूम कर देना है, इस नेम पर जिस जिस जगह पर आप क्लिक करेंगे ये देखना हो रहा है, मैं जल्दी जल्दी में कर लेता हूँ। तो फ्रेंड, ये देखना नेम और ये जो साथ गर्ल का जो PNG मैंने लगाया, ये गर्ल बनी है, इसका भी मैंने पिक्सल सेलेक्ट किया हुआ है। अब आपने नीचे वाली लेयर में आना है और इस वाले ऑप्शन में आ जाना है। ठीक है, ऊपर वाले दो मैंने PNG छोड़ दिए, उस पर हम और इफेक्ट लगाएंगे, थोड़ा सा उसकी चेंजिंग करेंगे। यहाँ पर कलर वाइट करना है और नोइज़ में आना है और यहाँ पर इसके जो अमाउंट है ना ये आपने कम कर देनी है, तकरीबन आपने 29 पे कर देनी है। जहाँ पे नोइज लग गया यहाँ तक तो काम हो गया, जो ऊपर वाली है इस पर आपने कर देना है क्लिक, जहाँ पे ऊपर वाली लेयर पर। ठीक है, फिर इधर आ जाना है। ठीक है, शेडो वाली लेयर पर क्लिक करके मैं आना है और यहाँ पर आपने कर देना है क्लिक। ठीक है, आपने यहाँ पर आना है और यहाँ पर आपने आ जाना है। ठीक है, यहाँ पर आपने फिल एंड स्ट्रोक में क्लिक कर देना है और कलर आपने रेड रख लेना है और यहाँ पर फिल कर देना है। ठीक है, इस तरह से आप कर सकते हैं, मैं जल्दी जल्दी में कर लूँगा। तो फ्रेंड, यहाँ पर मैंने देख लीजिए नोइज़ भी लगा लिया और ऊपर फिल वाला भी मैंने आपको तरीका बता दिया है। ठीक है, इस पर मैंने दो इफेक्ट लगाए हैं और लाइट PNG आप PixArt से भी लगा सकते हैं और PS टच से भी लगा सकते हैं। ठीक है, इसमें FX में आना है और यहाँ पर इसमें लगा देनी है ग्लो। ठीक है, ग्लो लगाने के बाद आपने करना है क्या, 0 इसका जो ब्लर है वो 3 कर देना है, कलर आपने सिंपली वाइट कर देना है। वाइट करने के बाद आपने इसकी एक कर देनी है डुप्लीकेट लेयर। ठीक है, ये यार मैं बार बार ग्लास फ्रंट मैंने बनाया, तकरीबन ये मैंने बहुत दफ़ा बनाया है, लेकिन ये रिक्वेस्ट डिमांड पर बनाया है, लेकिन इसका मेथड तरीका मैंने हर बार आप लोगों को डिफरेंट बताया है। ठीक है, और मुख्तलिफ डिज़ाइन वाला फॉन्ट जो है ना यूज़ करके। ठीक है, तो आपने इसका ब्लेंड मोड नीचे कर देना, सॉरी इसको लेयर को नीचे कर देना है आप।
जो ऊपर वाली लेयर है इसका ब्लेंड मोड यहाँ से लैटन कर देना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं आपकी ग्लास वन रेडी है। आपने डन पर क्लिक करना और इसको सिंपली सेव कर लेना। आज हमारा बस ये था ट्यूटोरियल। अगर वीडियो पसंद है लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।